इन चीजों की कंप्लेंट होती है, इंडियन कानून होगा ना, ब्लैक लाइव्स मैटर में इंडियन कानून होगा, मेरे पे धारा लगाओ भाई, मेरी FIR करवाओ। सो हे गाइस, सो गाइस, एलवी यादव ने आज अपने व्लॉग वीडियो में अविनाश सचदेवा को और ऐसे लोगों को अपने वीडियो में तगड़ा रिप्लाई दिया है। जो लोग एलवी यादव के व्लॉग वीडियो के इस क्लिप को लेकर के एलवी यादव को ट्रोल कर रहे थे, एलवी यादव को हेट दे रहे थे। अब दोस्तों पूरा मैटर क्या है, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों हाल ही में जब एलवी यादव लंदन गए हुए थे तो वहाँ पर उनके एक व्लॉग वीडियो में उन्होंने ये क्लिप दिखाया था जहाँ पर एक आदमी खड़ा है, उसने ब्लैक कपड़े हुए पहने हैं और वो बहुत काला भी है। भाई एक मस्त चीज दिखाऊं, इन्हें तो देख लिया मुझे, इन्हें तो देख लिया मुझे भाई, ये जैकेट तक घना कलर मैच ना कर रहा इसका। मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, बट स्टिल भाई। सो गाइस प्रणाम। तो एलवी यादव के इस ब्लॉग के पार्ट की वजह से काफी लोगों ने एलवी यादव को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया था और अविनाश सचदेवा ने इसके बारे में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड कर दी थी और वहां पर लिखा था सीरियसली डोंट एक्सपेक्ट दिस, यानी कि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे एलवी यादव को। इसके बाद एलवी यादव काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर भी ट्रोल किया था। अब दोस्तों आज एलवी यादव ने इस पूरे मैटर पर अपना रिएक्शन दिया है और उन सभी को रिप्लाई भी दिया है और काफी कुछ कहा भी है। तो एलवी यादव ने क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग उनके ब्लॉग वीडियो का वो पार्ट दिखाता हूँ। मैंने उस वीडियो में बोला, जिसे नहीं पता, उसने ब्लैक जैकेट पहन रखी थी बंदे ने, बाहर का बंदा था, नीग्रो था। उनने बोला, मतलब मैंने बोला कि इस देखो इसका कलर तो इसकी जैकेट से मैच हो रहा, और हम चार जने हंस पड़े। यही वीडियो देखी होगी तुम लोगों ने, ऐसी वीडियो। मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा कि ओ मेरी तो मैनिपुलेट किया, ये किया, वो किया। एक सेकंड भाई, लेफ्ट ले लेना, इसे लेफ्ट ही तो जाना। तो मैं उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा कि मैंने भाई ये सब नहीं बोला, मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग, खराब मेरे बारे में नेगेटिव चीज़ें बोल रहे। नहीं भाई, अगर मैं जलील करता उसको उसके आगे जाके कि तू तो ये है, तू वो है, उसके बाद तुम मेरे को बोलते तो भाई वो चीज़ मेरे को लगती कि जायज बहुत ज़्यादा, कि हाँ अब सारे जने ब्लैक लाइव्स मैटर की चीज़ें मेरे सिर पे ला रहे हैं कि ये रेसिज्म फैला रहा है, इंडियन यूट्यूबर देख लो बाहर रेसिज्म फैला रहा है। भाई ठीक है भाई, मैंने रेसिज्म फैला दिया, अब आगे का करना भाई मेरे पे कंप्लेंट करो ना, मेरी कंप्लेंट करो। इन चीज़ों की कंप्लेंट होती है, इंडियन कानून होगा ना, ब्लैक लाइव्स मैटर में इंडियन कानून होगा, मेरे पे धारा लगाओ भाई, मेरी FIR करवाओ। अब मेरे को कोई ऐसा घर वाले इंडियन पेरेंट्स दिखा दो जो उस चीज़ से ऑफेंड हो गए। ये जो आजकल का वोक कल्चर है ना भाई, वोक कल्चर, ब्लैक लाइव्स मैटर, और बाहर अपने देश में हजार प्रॉब्लम चल रही होंगी, उन पे ध्यान नहीं देना तुमने। तुमने वेस्टर्न कल्चर में घुसना है कि बाहर का जो जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे ये इसराइल पैलेस्टीन हो गया, हम तो उसके सपोर्ट में, अपने देश में जो 10 चीज़ चल रही है ना भाई, उनमें पहले अपना योगदान दो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर गाइस इस पूरे मैटर पर अब आप लोग को एलवी यादव को क्या कहना है, क्या एलवी यादव ने सही कहा या गलत, इस पूरे मैटर पर आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग आपके ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें।